नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में 1800 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स तैयार हो रहा था, जो प्रदेश के साथ देश भर के ज्यादातर युवाओं को नशे का आदि बनाने के लिए काफी था। लेकिन फैक्ट्री से बाहर आने से पहले ही ये सारा ड्रग्स गुजरात एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया और भोपाल पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मामले में बीजेपी नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई। आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश के युवाओं के दिलो दिमाग के साथ खिलवाड़ के बड़े खेल का भंडाफोड़ गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम ने किया है। 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स और उसको बनाने की चीजें भोपाल में संचालित देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री से बरामद हुई है। राजधानी भोपाल में इतनी ज्यादा मात्रा में नशे का सामान मिलने के बाद एमपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इधर पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के तमाम नेता पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गए हैं और युवाओं को बर्बाद करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। सबसे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमान संभालते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस भंडाफोड़ को लेकर सरकार पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंदसौर के पकड़े गए आरोपी के साथ उनका कनेक्शन बताया। इस आरोप के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की। इधर एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सामने आकर कांग्रेस पर झूठ का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया, ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है, लगातार युवा मोर्चा का नेता है। क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे क्या? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं आप? देश के अंदर मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं हो, इसलिए मध्य प्रदेश बदनाम हो, केवल यही आपका षड्यंत्र है। आरोप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। उस नेता की फोटो हमारे नेता के साथ आई होगी, लेकिन उस नेता का भारतीय जनता पार्टी से, उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। भोपाल में ड्रग्स तस्करी के भंडाफोड़ के बाद एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भोपाल कमिश्नर को चूड़ियों के साथ ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अब जहां ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के बाद सियासत तेज हो गई है, तो वहीं सवाल भी कई हैं। युवाओं के साथ होने वाले इस खिलवाड़ की जानकारी एमपी पुलिस को क्यों नहीं थी? इस 1800 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स से कितने युवाओं की जिंदगी खराब हो सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, ड्रग्स के इस काले कारोबार के पीछे और कितने किरदारों का बेनकाब होना बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।